आदिवासियों में प्रचलित है ये बात कि किसी भी व्यक्ति की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उस व्यक्ति को कोई भी बीमारी भेजी जा सकती है, बीमारी ही नहीं उसकी मृत्यु भी उसे भेजी जा सकती है। रुडोल्फ फ्रैंक ने अपने जीवन के 30 वर्ष इस खोज में लगाए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या यह हो सकता है कि एक व्यक्ति की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाए और उसे कोई भी बीमारी भेजी जा सके या उसकी मौत भी भेजी जा सके। अत्यंत संदेह से भरा हुआ चित्त लेकर, वैज्ञानिक की बुद्धि लेकर यह व्यक्ति अमेज़न के आदिवासियों के बीच वर्षों तक रहा। बड़ी कठिनाई में पड़ गया क्योंकि घटना को सैकड़ों बार आंखों के सामने घटते देखा। हजारों मील दूर भी वो व्यक्ति हो तो भी उसकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उस तक विशेष बीमारियां और उसकी मौत भी भेजी जा सकती है। निगेटिव अदृश्य शक्तियों के बारे में जानना चाहती हूँ। दूसरों के द्वारा किए गए टोने टोटके हमें क्यों प्रभावित करते हैं और हम इससे निकल कैसे सकते हैं? कैसे जो हमारे ऊपर ये सब करा रहा है उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं? हम टोने टोटकों से होने वाला डर खत्म कैसे करें? इस समस्या पर प्रकाश डालें, सबका मंगल हो। मान के ही आई हो कि टोना टोटका होता है और हो चुका है, तुम ये थोड़ी पूछ रही हो कि ये टोना टोटका कुछ होता भी है कि नहीं। पूर्ववर्ती धारणा है कि होता तो है ही, और ये भी मानती हो कि फंस तो चुकी ही हो। अब आचार्य जी का काम तुमने बस इतना छोड़ा है कि तुमको बता दें कि इससे निकलना कैसे है। इससे ज्यादा तो तुमने मुझे कोई आज्ञा दी ही नहीं। तुमने मेरे लिए जगह ही नहीं छोड़ी कि कुछ और बोल पाऊं। सीधे ही बोल दिया कि टोना हो गया है, परेशान बहुत हूं, बता दीजिए बाहर कैसे आना है। यही टोना है कि तुम अपनी ही धारणा में फंस गई हो कि टोना होता है और हो चुका है, यही असली टोना है और किसी और ने नहीं किया, तुमने अपने ऊपर किया है। भारत में ऐसे लोग हैं जो अपने तंत्र विद्या की प्रैक्टिस करते हैं पेड़ों पर। क्या आपने सुना है? वो तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं जिसके लिए उन्हें कोई चाहिए होता है। वो वाकई पेड़ों से खून निकाल देते हैं, लाल खून। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वर्षों के अध्ययन के बाद ये तो तय हो गया कि ये घटना घटती है, लेकिन कैसे घटती? इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे प्रक्रिया क्या है? रुडोल्फ ने लिखा है कि प्रक्रिया के संबंध में जो बातें मुझे पता चल सकी हैं और जिन पर मैंने स्वयं प्रयोग करके देख लिया है वे तीन है। एक, मिट्टी की प्रतिमा जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती बने, बनाना भी कठिन है, अति मुश्किल। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उस शक्ल से मिले, महत्वपूर्ण यह है कि उस मिट्टी की प्रतिमा में उस व्यक्ति की शक्ल को प्रतिष्ठित किया जा सके। इसको शास्त्रों में कहते हैं कि मकड़ी अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है। तुमने खुद ही प्रक्षेपित किया है कि टोना है, अब जब टोना है तो उससे डरोगे भी, है ही। बहुत आचार्य थे नागार्जुन, उन्होंने एक बड़ी सुंदर उपमा बताई थी। वो बोले, आदमी ऐसा होता है कि यहां बैठे, ये दीवार है, इस पर भयानक भूत प्रेत राक्षसों का चित्र बनाए। बड़ी मेहनत कर करके दीवार पे क्या बनाए? भूत प्रेत राक्षसों का चित्र बनाए, फिर उनको देखे और दहशत से गिर जाए और खुद जोर जोर से चिल्लाए कि मेरे कमरे में भूत प्रेत पिशाच घुसाए हैं, बचाओ बचाओ। यही टोना है कि तुमने अपने आप को सम्मोहित कर लिया है। ये ऑटो हिप्नोसिस है कि टोना होता है, किसी ने मार दिया और मैं परेशान हो गई हूं। बताने वाले इतना तो बता गए कि या तो सत्य है या मन के भ्रम है, और तो तीसरा कुछ होता नहीं। टोना ये तीसरी चीज कहां से आई? या तो सत्य है जिसको परमात्मा बोलते हो, शांति बोलते हो, तृप्ति बोलते हो, और बाकी जो कुछ है वो सब क्या है? वो है ही नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, वो भ्रम है। तुमने ये तीसरी चीज ईजाद कर दी, टोना। सारे शास्त्र दोबारा रचने पड़ेंगे, उनमें एक एक नया अध्याय डालना पड़ेगा, टोना। ये एक सूक्ष्म शक्ति है पर कभी कभी शक्तिशाली होती है, वरना आमतौर पर सूक्ष्म ही होती है। दरअसल कौन से ग्रंथ में, कौन से बोध साहित्य में तुम्हें टोटका मिला, बताओ? हमने तो कहीं टोटका पढ़ा नहीं। कौन से ग्रंथ में मिल गया? कहां से ये सारी बातें मन में आ रही हैं? जरा गड़बड़ किस्म का साहित्य पढ़ रही हो या टीवी ज्यादा देख रही हो? उपनिषदों को पढ़ो, अष्टावक्र को पढ़ो, नानक को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, वहां न टोने के लिए जगह है ना टोटके के लिए जगह है। किसी समझदार आदमी ने आज तक टोने टोटके की बात नहीं की।
रुडोल्फ का कहना है कि अगर वो व्यक्ति आंख बंद करके और आपकी पूरी की पूरी प्रतिमा को मन में पूरा स्मरण कर सके और उसको इस मिट्टी की प्रतिमा पर आरोपित कर सके तो ये प्रतिमा आपका प्रतीक बन के सक्रिय हो जाए। सूफियों की कहानियों में जाओगे वहां जादू ही बातें होती हैं, पर वो जो जादू की बात वहां भी होती है उस जादू के पीछे समझ और बोध होता है, कोई अदृश्य निगेटिव शक्ति नहीं होती है। पीरों फकीरों की कहानियां होती हैं उनमें खूब बात होती है, वहां तिलिस्म भी होता है, वहां ताबीज भी होते हैं, वहां जादू भी होता है, पर जब उसको ध्यान से पढ़ो तो पता चलता है कि वहां कोई संदेश है। जादू इत्यादि मात्र संकेत है, किसी समझने वाले ने आज तक नहीं कहा कि दूर बैठ के कोई तुम पे टोना मार देगा, जादू मार देगा। अगर किसी व्यक्ति की प्रतिमा को मन में रख के और उसकी छोटी प्रतिमा को ध्यान में लेकर आज्ञा के चक्र से अगर गीली मिट्टी के बनाए हुए लौंदे पर फेंक दिया जाए तो वो गीली मिट्टी का लौंदा साधारण मिट्टी का लौंदा नहीं रह जाता, वो आपकी आज्ञा से संक्रमित और आविष्ट हो जाता है। और अगर उस मिट्टी की प्रतिमा के दोनों आंखों के बीच में आप ध्यान करके कोई भी बीमारी का स्मरण कर सके सिर्फ एक मिनट, तो वो व्यक्ति उस बीमारी से संक्रमित हो जाएगा। वो कितनी ही दूर हो इससे कोई सवाल नहीं उठता, उसकी मृत्यु तक घटित हो सकती है। और यदि जादू टोना टोटका है भी तो उसको फिर तुम अदृश्य क्यों बोल रही हो? तो पूरी तरह से दृश्य है, जो कुछ भी दृष्टगत है, दृष्टव्य है, वो सब फिर झूठी तो है, टोना टोटका ही तो है। पहला टोटका तो यही है कि तुमको लगता है कि दुनिया है, फिर तो सबसे बड़ा झूठ यही है। फिर तो दूसरा जो तुम पे जादू होता है, सम्मोहन होता है, वो बाजार द्वारा होता है, जब तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें वो सब चीजें खरीदवा दी जाती हैं, तुम्हें खरीदनी नहीं चाहिए। फिर तो जगत, संसार, शिक्षा, समाज, परिवार, ये सब तुले हुए हैं तुम पर जादू करने को। उस जादू से बचो ना, अदृश्य जादू की क्या बात करते हो, यहां तो दृश्य दृश्य में जादू है। देखो ना उन्होंने तुम्हें सम्मोहित करा के क्या क्या नहीं करा लिया, क्या तुम्हारे मन में भर दिया, कैसी तुम्हें जिंदगी जिला दी, कैसे तुम्हारे निर्णय करा दिए। वो है टोना टोटका। टोना टोटका यदि किसी चीज को कहना भी है तो उसको कहो जो समक्ष ही है, जो सामने ही है, अदृश्य मत कहो उसको। रुडोल्फ ने अपने पूरे जीवन के अध्ययन के बाद यह लिखा है कि यह बात सुनने में हैरानी की लगती थी, लेकिन जब मैंने इसके प्रयोग देखे तो मैं चकित रह गया। वृक्षों की प्रतिमा बना के आदिवासियों ने उसके सामने वृक्षों को तत्काल सूखने पर मजबूर कर दिया। वो वृक्ष जो अभी हरा भरा था उसके पत्ते कुमला गए, वो वृक्ष जो अभी जीवित मालूम पड़ता था मरने की प्रक्रिया पर रुगण हो गया। पानी डालते रहे, पानी सींचते रहे, किसी तरह का नुकसान वृक्ष को बाहर से नहीं पहुंचने दिया गया, लेकिन महीने भर में वृक्ष सूख के नष्ट हो गए। जो वृक्ष पर हो सकता है वो व्यक्ति पर हो सकता है। दूध में एक छटा शहद घोल के दोपहर 2 बजे पीने से आदमी ऊपर उठ जाता है। आपको वाकई लगता है ये सब करके कुछ हो सकता है आपके साथ? पर ना हम खुद को जानते हैं, ना अपनी वास्तविक तकलीफ को जानते हैं। कोई बहुत दबी छुपी हमारी बेड़ियां होती भी नहीं है। दुनिया को पता चल जाता है कि हम किस फेर में, हमें खुद कैसे नहीं पता होता। दुनिया को पता होता है फलाना अपनी बीवी से डरता है, फलानी अपने पति से मार खाती है। बस सीधा जो तरीका है उस पर चलो, सीधे साधे सरल तरीके से। और सीधा साधा सरल तरीका यही है कि जो सामने उसकी अनदेखी मत करो। जादू नहीं होता, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द झेलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ये झाड़ फूक, ये टोना टोटका, ये तिलिस्म, ये सब नहीं होता।